जैसा कि आपको पता ही होगा, दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे जेफ बेजोस, जिनकी टोटल प्रॉपर्टीज की नेट वैल्यू थी 185 बिलियन US डॉलर्स, यानी लगभग 13,575 अरब रुपए। जेफ बेजोस अमेजॉन कंपनी के फाउंडर और CEO है, बट अभी कुछ ही दिनों पहले टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क ने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। एलन मस्क की टोटल प्रॉपर्टीज जेफ बेजोस से 1.5 बिलियन US डॉलर्स अधिक हो गई है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस टाइम के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की बायोग्राफी के बारे में बताने जा रहा हूँ और क्यों एलन मस्क को रियल लाइफ का आयरन मैन कहा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, हु इज एलन मस्क? एलन मस्क कौन है? एलन रीव मक्स एक बिजनेस मैग्नेट, इंडस्ट्रियल डिजाइनर और इंजीनियर है। वह स्पेसएक्स कंपनी के CEO, CTO और चीफ डिजाइनर है। स्पेसएक्स कंपनी के फर्स्ट इन्वेस्टर भी एलन मस्क ही थे। ये टेस्ला कंपनी के CEO और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट है। ये फाउंडर है द बोरिंग कंपनी के को फाउंडर एंड इनिशियल को चेयरमैन है ओपन AI के। इन्हें साल 2018 में फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी यानी FRS के लिए इलेक्ट भी किया गया था। फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी एक अवार्ड है जो लंदन में ऐसे लोगों को दिया जाता है जो नेचुरल नॉलेज, इंजीनियरिंग साइंस और मेडिकल साइंस में इंप्रूवमेंट करते हैं। और ये साल 2018 में फोर्ब्स के द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल के लिस्ट में 25th रैंक पर थे और साल 2019 में ये लिस्ट में रैंक 1 में पहुंच गए। एलन मस्क जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। नंबर 2, व्हेन एंड वेयर वाज बोर्न एलन मस्क? एलन मस्क का जन्म कब और कहां हुआ था? एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनकी एज इस वक्त 49 ईयर्स है। इन्हें साउथ अफ्रीका, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजनशिप प्राप्त है। इन्होंने BA और BS साल 1971 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसवेनिया से कंप्लीट की। इनके फादर का नाम है एरोल मस्क और इनकी मदर का नाम है मे मस्क। नंबर 3, लाइफ स्टोरी ऑफ एलन मस्क, कहानी एलन मस्क की जिंदगी की। एलन रीव मस्क की मदर एक कनाडियन थी और इनके फादर साउथ अफ्रीकन थे, इसलिए इन्हें कनाडा और साउथ अफ्रीका दोनों की सिटीजनशिप मिली है। एलन मस्क का बचपन प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में बीता। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया में पढ़ाई की और 17 साल हो जाने के बाद इन्हें क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा में ट्रांसफ़र कर दिया गया और 2 साल बाद पेनिसवेनिया में, जहां इन्होंने डुअल बैचलर की डिग्री इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में ली। उसके बाद PhD करने के लिए वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, बट अपने बिजनेस करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी को 2 दिन बाद ही छोड़ दिया और एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 के को फाउंडर बने, जो साल 1999 में 307 मिलियन डॉलर्स की थी। फिर इन्होंने एक ऑनलाइन बैंक X.com को बनाया जो कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज हो गया, जिसने PayPal को लॉन्च किया था और बाद में अक्टूबर 2002 में इसे eBay द्वारा 1.5 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया गया। मई 2002 में इन्होंने एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चर और स्पेस ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी SpaceX की स्थापना की, जिसके वो CEO और लीड डिजाइनर बने। उसके बाद इन्होंने साल 2004 में टेस्ला मोटर्स INC को ज्वाइन किया, जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती थी। 2008 में ये टेस्ला कंपनी के प्रोडक्ट आर्किटेक्ट और CEO बन गए। साल 2006 में इन्होंने एक सोलर सिटी क्रिएट करने में हेल्प की, जो एक सोलर एनर्जी सर्विसेज कंपनी है। साल 2015 में इन्होंने ओपन AI की सह स्थापना की, जो एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च कंपनी है जिसका एम है फ्रेंडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करना। साल 2016 जून में इन्होंने न्यूरोलिंक की सह स्थापना की, जो एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका फोकस है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस को डेवलप करना। और साल 2016 दिसंबर में उन्होंने द बोरिंग कंपनी की स्थापना की, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और टनल कंस्ट्रक्शंस का काम करती है। नंबर 4, व्हाई एलन मस्क इज कॉल्ड द रियल लाइफ आयरन मैन? एलन मस्क को असली लाइफ का आयरन मैन क्यों कहा जाता है? तो गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं कि मूवी आयरन मैन को एलन मस्क को ही देखकर टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को बनाया गया था। साल 2010 में मूवी आयरन मैन 2 के बनने से पहले टोनी स्टार्क यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर एलन मस्क से एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए गए थे। उस टाइम को ये बात रिवील नहीं हुई थी कि एलन मस्क रॉबर्ट डाउनी जूनियर को टोनी स्टार्क के कैरेक्टर प्ले करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। ये बात मूवी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के रिलीज
होने के बाद सामने आई कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर असल में टोनी स्टार्क को नहीं बल्कि एलन मस्क के जैसा रोल प्ले कर रहे हैं। यही कारण है कि जैसा जुनून और जिद एलन मस्क के अंदर है, वैसा जुनून और जिद टोनी स्टार्क में भी है। और इस बात से ये साबित होता है कि एलन मस्क आयरन मैन के जैसा नहीं बल्कि आयरन मैन एलन मस्क के जैसा है। नंबर 5, लाइफ स्टाइल ऑफ एलन मस्क। एलन मस्क की लाइफ स्टाइल। एलन मस्क की लाइफ स्टाइल बहुत बिजी है। एलन मस्क 6 घंटे एक दिन में सोते हैं और एक वीक में 90 से 100 घंटे तक काम करते हैं। इतना काम करने के बाद भी वो अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं और अपने मेल्स भी चेक करते हैं। एलन मस्क सुबह के टाइम को किक करते हुए 7 बजे उठते हैं। उन्होंने रेडिट की एक पोस्ट में लिखा है कि वो हर रात 1 बजे टाइमली सो जाते हैं और सुबह 7 बजे उठते हैं। एलन मस्क अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करते हुए और यूजुअली सुबह को एक कॉफ़ी के साथ ऑमलेट खाते हैं। एक चीज़ जो वो कभी नहीं भूलते हैं वो है रेडिट में लिखना। वो हर वीकेंड्स पर रेडिट में अपने पॉजिटिव थॉट्स को लिखते हैं। उनका शेड्यूल इतना बिजी है कि उन्होंने खाना खाने के लिए 5 मिनट्स का स्लॉट बनाया है। वो बस 5 मिनट तक ही खाते हैं और उसके बाद फिर से काम करने लगते हैं। वो लगभग 40 से 45 घंटे टेस्ला में काम करते हैं और 40 से 45 घंटे स्पेस एक्स में काम करते हैं। उनके लिए 2 दिन कभी सेम नहीं होता। मंडे एंड फ्राइडे वो लॉस एंजलस में स्पेस एक्स में काम करते हैं और ट्यूजडे वेडनेसडे एंड थर्सडे कैलिफोर्निया में टेस्ला में काम करते हैं। वे संडे को ट्रैवलिंग करते हैं या बेल एयर मैंसन में रहते हैं और सैटरडे को वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उनका कहना ये है कि अगर मैं अपना टाइम फैमिली के साथ स्पेंड ना करूँ तो मेरा काम पूरा नहीं होता है। एलन मस्क एक परफेक्ट पर्सन है और एक बेस्ट एग्जांपल है कि किस तरह एक इंसान मल्टीटास्किंग के साथ साथ फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकता है। वो जिस तरह 90 से 100 घंटे एक वीक में काम करते हैं, वैसा अगर कोई नॉर्मल इंसान कर ले तो गारंटी है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। पर क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसा काम कर पाएगा, ये जानने के लिए आपको खुद से क्वेश्चन पूछना चाहिए। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो इसे अपना बहुमूल्य लाइक जरूर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। तो यार मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय धरती माँ।